फ्रेंड्स, आपका हमारे इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा सेल्स वाउचर की एंट्री कैसे करते हैं टैली प्राइम में। तो इसी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपको टैली प्राइम में सेल्स वाउचर की एंट्री कैसे किया जाता है आने लगेगा। तो दोस्तों, ये सेल्स वाउचर होता क्या है, जैसे आप मार्केट में जाकर सामान खरीदते हैं, कूलर, फ्रिज, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, कुछ भी लेते हैं, तो उसके बदले वो रिसिप्ट वाउचर देता है कंप्यूटर से निकाल करके। तो रिसिप्ट वाउचर बनाया कैसे जाता है, कैसे काम किया जाता है, उस पर कैसे एंट्री कैसे की जाएगी, इसी चीज को मैं आपको सिखाऊंगा और आपको इसकी वीडियो में ये चीजें आ जाएगा, आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, वीडियो कंप्लीट देखिएगा, आपको सेल्स वाउचर की एंट्री करना आने लगेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ और आपको सिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि हमने टैली ओपन किया है, टैली ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाएगा। इसमें चार ऑप्शन रहेंगे यहाँ पे, तो आपको पहले ऑप्शन को ओके कर देना है। ओके करोगे तो दोस्तों आपका यह खुल जाएगा। इसमें जैसे मैं कंपनी बनाया हूँ, उसमें पासवर्ड डाला हूँ। फर्स्ट बार आप कंपनी बनाएंगे तो पासवर्ड डालेंगे तो पूछेगा, नहीं डालेंगे तो डायरेक्ट खुल जाएगा। तो हम इसमें ESC बटन दबा के आपको दोस्तों बैक आना है। यहाँ आने के बाद दोस्तों देखिए क्रिएट कंपनी है, क्रिएट कंपनी पर आपको ओके कर देना है। जैसा कि आप ओके करेंगे तो ये आपसे पूछने लगा कि आपकी कंपनी नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है। मैं कई सारे वीडियो में चीज़ बता चुका हूँ, आप हमारी पुरानी वीडियो भी देख सकते हो और नई वीडियो में काफ़ी तुम आपको हम बढ़िया बताएंगे, कुछ नए रसीद मॉडल बताएंगे कि जो नए नए मॉडल की रसीद आ रही हैं, ये सब बनाई कैसे जाती है टैली से। कुछ लोग देखते हैं सर, पूछते हैं, कमेंट करते हैं कि सर ये बनाया कैसे जाता है, हम पहले बनाते तो ऐसे नहीं बनता था, आप कैसे बनने लगे। तो ये सारी सेटिंग कहाँ से की जाती है मैं आपको इसमें भी सिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं कंपनी नाम लिखता हूँ, जैसे लिखता हूँ सोनू कंप्यूटर शॉप, यहाँ पर लिख देते हैं सेल्स एंड सर्विस और एड्रेस डाल देता हूँ यहाँ दोस्तों, बारिया प्रयागराज उत्तर प्रदेश। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको आना है, यहाँ पे स्टेट कोड पूछेगा किस स्टेट का हो, तो जैसे मैं उत्तर प्रदेश का हूँ। यहाँ दोस्तों पिन कोड नंबर डाल दीजिएगा अपने एरिया का, टेलीफोन नहीं है इसको छोड़ दीजिएगा, मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा आप दोस्तों। मैं मेरा नंबर है, अगर कोई आपको दिक्कत हो तो कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरा बताएंगे। और यहाँ पे दोस्तों ये देखिएगा ईमेल है, अगर ईमेल आपको पता है डाल दीजिएगा, जितना आप इसमें फिल करेंगे उतना ये रसीद में आपके छपेगा, ये जानते रहिएगा। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सोनू कंप्यूटर्स @gmail.com और यहाँ पे वेबसाइट है दोस्तों, वेबसाइट है sonucomputer.com। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पे पासवर्ड मांगता है, ये अगर आप अपनी कंपनी में पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे यस कर दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अगर नो करेगा तो पासवर्ड नहीं लगेगा, तो यस करेंगे लगे। तो ये ऊपर जो दोस्तों था सिंगल पासवर्ड था, नीचे का मल्टीपल पासवर्ड, तो मल्टीपल पासवर्ड लगाने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, इसको यस करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं स्वैप और नीचे लिख देते हैं 123। तो दोस्तों इसमें मैं पासवर्ड लगा दिया और जो कंपनी में बना रहा हूँ इंटर मारोगे तो ढेर समय लगेगा। इससे क्या तरीका है कि Ctrl+A बटन दबा दीजिए, सेव हो जाएगा। Ctrl+A दबा दो, सेव हो जाएगा। दोस्तों अभी प्रोसेस में है, ले रहा है, तो ये हो चुका। अब यहाँ पर लिखेंगे स्वैप, जो हम इसको यूज़र आईडी और पासवर्ड डाले थे, तो यहाँ डालेंगे 123 और इसको इंटर कर देंगे। दोस्तों ये हमारा ओपन हो गया। अब यहाँ दोस्तों देखेंगे कि हमको सेल्स के लिए कौन सा ऑप्शन यस करना है, कौन सा ऑप्शन नो करना है। जैसा कि हम यहाँ देखेंगे, हमको डिस्काउंट वाला ऑप्शन को यस करेंगे, बाकी जो जैसा है उसे रहने देंगे। यहाँ पे GST यस पहले से, इसको ओके ओपन करेंगे। यहाँ पे देखा GST अप्लीकेबल फॉर्म, GST कब आया, 1/7/2017। और यहाँ पे दोस्तों ये GST नंबर पूछेगा, तो मैं अपने दुकान का GST नंबर डाल दे रहा हूँ जो रजिस्टर कराया हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे Ctrl+A बटन दबा के सेव कर देना है, फिर दोबारा सेव करना है। दोस्तों ये हमारा आधा काम हो गया। अब इसके बाद हम बनाएंगे लेजर। दोस्तों जो काम किया जाता है, जो टैली ऑटोमेटिक रसीद बना देती है, सारा काम दोस्तों लेजर से होता है। हम क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पे मिलेगा हमको लेजर। सबसे पहले हम सेल्स का लेजर बनाते हैं। सेल्स लेजर कैसे बनेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेल्स और यहाँ पे आएंगे अंडर में जाएगा सेल्स अकाउंट और यहाँ दोस्तों नॉट एप्लीकेबल, इस ऑप्शन को हम यस करेंगे
और दोस्तों यहाँ कुछ फिल नहीं करना है, प्रिंट करना, इतनी सारी सेटिंग में से दोस्तों आपको सिलेक्ट करना है सेल्स टैक्सेबल, इसको ओके करना। जीएसटी अगर आपका नहीं करता तो गलती यहीं से रहती है। तो अब यहाँ पे दोस्तों आप लैपटॉप कंप्यूटर बेच रहे हो तो इस पर 218% लगता है। तो जीएसटी दोस्तों मैं वीडियो बना, आप जाके वहाँ देख सकते हो जीएसटी का रेट क्या है, प्रकार का है, कौन से जीएसटी कहाँ लगेगा, टैक्स कैसे काम करता है, ट्रांसपोर्ट टैक्स कैसे लगता है, टीडीएस कैसे कटता है, सब कुछ उसमें मैं बताया हूँ। तो अभी यहाँ पे इतना जानिए कि इसमें 18% लग रहा है। 18 लिख के दोस्तों सेव कर देना है, यहाँ गुड्स कर देना है और कंट्रोल बटन दबा के फिर सेव कर देना है। अब दोस्तों जब इसको सेव करेंगे तो ये आगे काम हमारा होगा। अब दूसरा लेजर दोस्तों हमारा बनेगा सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल टैक्स दोस्तों मतलब सीजीएसटी। अब यहाँ पे आएंगे हम, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ये किस में जाएगा, ये जाएगा ड्यूटीज और टैक्सेस में। यहाँ दोस्तों जीएसटी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ सेंट्रल, इसके बाद कंट्रोल प्लस ए बटन दबा के इसको हम सेव कर देंगे। अगला हम बनाएंगे स्टेट टैक्स, स्टेट टैक्स यानी यस जीएसटी, इंटर करेंगे, यहाँ जीएसटी ओके करेंगे और यहाँ दोस्तों हम सिलेक्ट करेंगे स्टेट टैक्स और कंट्रोल ए बटन दबा के इसको सेव कर देते हैं। अब इतना करने के बाद दोस्तों जो हमारा अगला लेजर रहेगा तीसरा, वो बनाएंगे हम कस्टमर का लेजर। जैसे यहाँ पे सुजीत कुमार वर्मा है का लेजर है दोस्तों, जितना लेजर होता है दोस्तों ये सब वाउचर बनाते हैं, मैं आपको पहले ही बना के दिखा दे रहा हूँ। कस्टमर का लेजर किस में जाएगा दोस्तों, कस्टमर लेजर जाएगा सिंडिकेटर्स में और इसका मैं पता लिख देता हूँ मंसूरपुर बाड़िया प्रयागराज, इंटर करना है, यहाँ पिन कोड नंबर डाल देना है और कंट्रोल ए बटन दबा दोस्तों इसको सेव कर लेते हैं। आगे देखेंगे हमारा तीन लेजर बनने कंप्लीट हो चुका है, सेल्स बना, सीजीएसटी बना और कस्टमर बन दो, मिलाकर चार लेजर। और अब बैक चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ सामान बनाते हैं, जैसे आप फर्स्ट बार आपका शॉप खोल रहे हो, आपको कोई आइडिया है नहीं कि मतलब जीएसटी के बिल कैसे निकालेंगे, सामान सेल करेंगे तो उसको कैसे किएंगे, तो इस वीडियो को देख लीजिए कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैं अपने शॉप पे कंप्यूटर लेके आया हूँ उसको इसमें मतलब ऐड कर रहे हैं। सबसे पहले बनाएंगे यहाँ कैटेगरी, इसमें लिखेंगे कंप्यूटर, तो मेरा जो शॉप है कंप्यूटर का है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों यूनिट इसमें लिखेंगे पीसीएस और यहाँ पे दोस्तों आप इसको छोड़ देना है, कुछ नहीं लिखना है इनमें। अगर आपका पीस में बिक रहा है, सेट में बिक रहा है या नंबर में बिक रहा है, जो चीज़ है उसका चीज़ का यूनिट बना लीजिएगा। अब दोस्तों अगला हमारा है स्टॉक आइटम, इसको क्या करेंगे, ये काफ़ी थोड़ा बड़ा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माउस, एक जाएगा कंप्यूटर में जाएगा पीस में जाएगा, यहाँ इस ऑप्शन को यस करेंगे। यहाँ दोस्तों देखना है हमने माउस 200 रुपये खरीदा है तो हम इसको 250 रुपये सेल करेंगे, यहाँ यस करेंगे, जीएसटी लगाएंगे इस पर। यहाँ दोस्तों एक्सेप्शन नंबर डाल देना, 4 अक्षर का कोई भी, ये सीखने के लिए, बाकी उसमें रहता है। अब यहाँ टैक्सेबल है, यहाँ दोस्तों वहाँ 18% डाले थे, यहाँ भी 18% डालना होगा। इतना करने के बाद यहाँ पे यस करना है, इसको भी यस, इसको भी यस। अब यहाँ पे डालेंगे हम एमआरपी, दोस्तों एमआरपी डालेंगे कि कितने का रहता है एमआरपी हमारा। ये एमआरपी है दोस्तों 300 रुपये का और यहाँ पर डाल देंगे हमारी दुकान में, इसको हम 200, हमारे पास माउस है एक माउस, हम 250 रुपये बेचेंगे इसको, दोस्तों हम 200 बना देते हैं, एक माउस 250 रुपये बेचेंगे दोस्तों। ये हमारा बन गया, रेडी हो गया है। हम एक और बना लेते हैं कीबोर्ड, हमने कीबोर्ड भी बना लिया। यहाँ पे कंप्यूटर सेट करेंगे, इसको भी यस करेंगे। आप इसको चाहते स्क्रीन शॉट ले, जैसे कीबोर्ड हमारा 300 रुपये खरीद के लाए हैं, हम बेचेंगे 500 रुपये का और इसको हम यस करेंगे। यहाँ पे दोस्तों एक्सेप्शन नंबर डाल देना है आपको और इसको, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, आप देखिएगा यहाँ टैक्सेबल रहेगा और यहाँ भी 18% दोस्तों इतना लिख के इंटर करना है। मैं इसको बोल भी रहा हूँ आप देख भी रहे, इसको यस करना, इसको यस करना, 600 एमआरपी डाल देना और ये हमारे पास है 150 और 500 रुपये सेल करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ डेल i5 को फोर्थ जनरेशन 16 GB रैम और 512 GB SSD
और यहाँ से हम मीटर सेट करते हैं। अब इसको जैसे हमने 60,000 का खरीदा है, इसको बेचेंगे 65,000 का, इसको यहाँ जीएसटी एस करेंगे। दोस्तों इसको मैं तीन बार बना रहा हूँ कि आप इसको देख लीजिए कौन किस के अंतर्गत बनता है। यहाँ एक बार 18% सेट करेंगे और इसको यस करेंगे, ये इसको भी यस, इसको भी यस, यहाँ से हम यस लिखेंगे। इमारती इसमें डालते हैं दोस्तों 70,000 और ये हमारे पास 5 है, ये कितने बेचना 65,000 का, ये हम सेव कर लिए। अब दोस्तों चलते हैं इसकी एंट्री करने, सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर की एंट्री करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में आना होगा। यहाँ आने के बाद दोस्तों आपको वाउचर दिखाई देगा, इस पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पे डिफॉल्ट पेमेंट खुला रहेगा, तो आपको F8 बटन दबा देना है। कस्टमर को सिलेक्ट करना, अगर नया कस्टमर है तो यहाँ से बना लीजिएगा, और अगर बना है तो ठीक है यहीं से कर लीजिएगा, इसमें कुछ टाइप अप नहीं करना है। कंट्रोल ए बटन दबा सेव करना है, यहाँ सेल्स वाउचर सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे हम लैपटॉप खरीद रहे हैं तो हम एक लैपटॉप ले रहे हैं और हमको छूट मिला है 5%। दोस्तों ये 65,000 का है, 5% छूट मिलने के बाद ये 61,750 रुपये हो गया। इंटर करेंगे और यहाँ पे देखेंगे हम सेंट्रल टैक्स, इस पर ओके करेंगे। दोस्तों ये लग गया, और यहाँ पे है स्टेट टैक्स, इस पर ओके करेंगे। दोनों लगने के बाद दोस्तों कंट्रोल प्लस ए बटन दबा सेव कर लेना है, और आपको जाना डिस्प्ले में, गेटवे ऑफ टैली में डेबुक भी ओपन करिएगा और कीबोर्ड्स कंट्रोल प्लस पी बटन दबाइएगा। मैं आपको प्रिंट दिखा दे रहा हूँ प्रीव्यू, दोस्तों आप देख सकते हो ऐसा भी लोग आपको चाहिए तो ऐसी सेटिंग करनी पड़ेगी। दोस्तों जो इसका सेटिंग रहता है कि ऐसा रहेगा डिफ़ॉल्ट, जो जैसे मैं सेट करके रखा हूँ, ये बनता कैसे है इसको मैं आपको प्रीव्यू इसका दिखा देता हूँ। आप पास अगर टैली है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ और नीचे कर देता हूँ, और इसको ले लीजिएगा और इसको नीचे कर दे रहा हूँ, थोड़ा बड़ा है आओ कर दे रहा हूँ, इसका इतना ले रहा हूँ। और सारी सेटिंग दोस्तों आप मिला लोगे तो आपका भी ऐसे रसीद निकलने लगेगा जैसा कि अभी हमने दिखाया, ऐसा कुछ। दोस्तों आप ऐसे किसी भी कस्टमर का जो सामान लेगा आप उसका रसीद ऐसे निकाल सकते हैं, सिर्फ नाम लिख करके, जैसे मैं एक करके दिखा रहा हूँ आपको। अब जैसे हमारे दुकान पे दूसरा कोई कस्टमर आया तो हमको अंदर जाकर लेजर नहीं बनाना है, सिर्फ ये लेजर बनाना, यहाँ पे क्रिएट करेंगे। जैसे यहाँ पे आया रोहित कुमार, सिंडिकेट एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे मापूरा बारिया प्रयागराज, और कंट्रोल एक सेव कर दिए, कंट्रोल एक सेव, कंट्रोल एक सेव। दोस्तों जैसे एक खरीदा कीबोर्ड, खरीदा 5 कीबोर्ड खरीदा, डिस्काउंट 1 रुपये नहीं है। माउस खरीदा 35, इस पर 7% डिस्काउंट है। दो बार इंटर करना है दोस्तों आपको, यहाँ सेंट्रल टैक्स लगाना है और उसके बाद स्टेट टैक्स लगाना है, और कंट्रोल एक सेव कर देना है, ये हो गया। अब आपको आना है डेबुक पे, अब इसका भी रसीद प्रिंट कर दीजिएगा। दोस्तों जो ऐसा मार्केट में जो काम किया जाता है ऐसे ही किया जाता है, आप इसको घर बैठे सीख सकते हो या किसी शॉप पे जाकर देख सकते हो कि वहाँ पे काम कैसे किया जाता है उसका, और इसका बिल आप मिला लीजिएगा दोस्तों, सेम टू सेम रहेगा। तो दोस्तों